कुरुंथियों के नाम पौलुस प्रेरित की दूसरी पत्री 11वां अध्याय। यदि तुम मेरी थोड़ी मूर्खता सह लेते तो क्या ही भला होता, हाँ मेरी सह भी लेते हो, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी की नाई मसीह को सौंप दूं। परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हव्वा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सीधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न किए जाएं। यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु को प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया, या कोई और आत्मा तुम्हें मिले जो पहले न मिला था, या और कोई सुसमाचार जिसे तुमने पहले न माना था, तो तुम्हारा सहना ठीक होता। मैं तो समझता हूँ कि मैं किसी बात में बड़े से बड़े प्रेरितों से कम नहीं हूँ। यदि मैं वक्तव्य में अनाड़ी हूँ तो अभी ज्ञान में नहीं, वरन हमने इसको हर बात में सब पर तुम्हारे लिए प्रकट किया है। क्या इसमें मैंने कुछ पाप किया कि मैंने तुम्हें परमेश्वर का सुसमाचार सेंत में सुनाया और अपने आप को नीचा किया कि तुम ऊंचे हो जाओ? मैंने और कलीसियाओं को लूटा, अर्थात मैंने उनसे मजदूरी ली ताकि तुम्हारी सेवा करूं, और जब तुम्हारे साथ था और मुझे घटी हुई तो मैंने किसी पर भार नहीं दिया, क्योंकि भाइयों ने मकिदुनिया से आकर मेरी घटी को पूरी की, और मैंने हर बात में अपने आप को तुम पर भार होने से रोका और रोके रहूंगा। यदि मसीह की सच्चाई मुझ में है तो अखिया देश में कोई मुझे इस घमंड से न रोकेगा। किस लिए? क्या इसलिए कि मैं तुमसे प्रेम नहीं रखता? परमेश्वर यह जानता है, परंतु जो मैं करता हूँ वही करता रहूंगा, कि जो लोग दांव ढूंढते हैं उन्हें मैं दांव पाने दूं, ताकि जिस बात में वे घमंड करते हैं उसमें वे हमारे ही समान ठहरें। क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले हैं, और यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। सो यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का सा रूप धरें तो कुछ बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। मैं फिर कहता हूँ, कोई मुझे मूर्ख न समझे, नहीं तो मूर्ख ही समझकर मेरी सहलो, ताकि थोड़ा सा मैं भी घमंड करूं। इस बेधड़क घमंड से बोलने में जो कुछ मैं कहता हूँ वह प्रभु की आज्ञा के अनुसार नहीं, पर मानो मूर्खता से ही कहता हूँ। जबकि बहुत लोग शरीर के अनुसार घमंड करते हैं तो मैं भी घमंड करूंगा। तुम तो समझदार होकर आनंद से मूर्खों की सह लेते हो, क्योंकि जब तुम्हें कोई दास बना लेता है, या खा जाता है, या फंसा लेता है, या अपने आप को बड़ा बनाता है, या तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ मारता है, तो तुम सह लेते हो। मेरा कहना अनादर ही की रीति पर है, मानो कि हम निर्बल से थे। परंतु जिस किसी बात में कोई हियाव करता है, मैं मूर्खता से कहता हूँ तो मैं भी हियाव करता हूँ। क्या वे ही इब्रानी हैं? मैं भी हूँ। क्या वे ही इसराइली हैं? मैं भी हूँ। क्या वे ही इब्राहिम के वंश हैं? मैं भी हूँ। क्या वे ही मसीह के सेवक हैं? मैं पागल की नाई कहता हूँ, मैं उनसे बढ़कर हूँ। अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जोखिमों में, 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39-39 कोड़े खाए, 3 बार मैंने बेते खाई, 1 बार पत्थरवाह किया गया, 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा था टूट गए, 1 रात दिन मैंने समुद्र में काटा, मैं बार बार यात्राओं में, नदियों के जोखिमों में, डाकुओं के जोखिमों में, अपने जाति वालों से जोखिमों में, अन्य जातियों से जोखिमों में, नगरों में के जोखिमों में, जंगल के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में, झूठे भाइयों के बीच जोखिमों में, परिश्रम और कष्ट में, बार बार जागते रहने में, भूख प्यास में, बार बार उपवास करने में, जाड़े में उघाड़े रहने में, और बातों को छोड़कर जिनका वर्णन मैं नहीं करता, सब कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है। किसकी निर्बलता से मैं निर्बल नहीं होता? किसके ठोकर खाने से मेरा जी नहीं दुखता? यदि घमंड करना अवश्य है तो मैं अपनी निर्बलता की बातों पर करूंगा। प्रभु यीशु का परमेश्वर और पिता जो सदा धन्य है जानता है कि मैं झूठ नहीं बोलता। दमिश्क में अरितास राजा की ओर से जो हाकिम था, उसने मेरे पकड़ने को
दमिश्कियों के नगर पर पहरा बैठा रखा था और मैं टोकरे में खिड़की से होकर भीत पर से उतारा गया और उसके हाथ से बच निकला।